जहानाबाद लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कई कड़ी जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र यादव जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जहानाबाद लोकसभा चुनाव में उतर रहे हैं, आज अखिल भारतीय देशभक्त मोर्चा ने इनका समर्थन किया। इसके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन कर विधिवत घोषणा की गई। इस मौके पर अखिल भारतीय देशभक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी विजयानंद, समाज सेवी टीएच खान, चुन्नू यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर चुन्नू यादव को भारतीय देशभक्त मोर्चा जहानाबाद का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं इस अवसर पर स्वामी विजयानंद टीएच खान ने जहानाबाद लोकसभा के भावी उम्मीदवार सत्येंद्र यादव के लिए लोगों से समर्थन मांगा और कहा कि एक ऐसे जन प्रतिनिधि का चुनाव कीजिए जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए पूरी तरह संकल्पित हो। और सत्येंद्र यादव एक संघर्षशील इंसान है। वहीं इस मौके पर सत्येंद्र यादव ने अखिल भारतीय देशभक्त मोर्चा का आभार जताया और कहा कि निश्चित तौर पर जो विश्वास हम पर जताया गया है उस पर हम पूरा खरा उतरने का वादा करते हैं। अगर जनता का विश्वास समर्थन मिला तो पूरे देश में जहानाबाद एक इतिहास बनेगा। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। 140 करोड़ देशवासी आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आतंकवाद की आग में धू धू कर जल रही है। इसको लिए मैंने जो हिंदुस्तान के जनता के लड़ने के लिए हमारे पास जो भी है साधन संपत्ति अब पार्टी, मैं देश के जनता को उम्मीदवार को खड़ा करके वो जीतेंगे या पार्टी जनता के होगी या जनता या अपना उम्मीदवार। इनको उम्मीदवारी के लिए हर पंचायत से मेरे पास रिक्वेस्ट आया, अनुरोध आया कि हम लोग इनको उम्मीदवार बनाइए। तो जनता उम्मीदवार बनाती है, जब तक जनता उम्मीदवार नहीं बनाएगा तो जब तक टिकट बिकता रहेगा और जब तक देश के लोग पूंजीपति से पैसा लेकर चुनाव लड़ते रहेंगे तो हिंदुस्तान के 144 करोड़ जनता भूख से, महंगाई से, बेरोजगारी से और जल्द न्याय पाने के लिए तड़पती रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे इसलिए कि आप लोग हमको पुराना पहले से जानते हैं कि हम पॉलिटिक्स में नहीं रहते, मगर कुछ दिनों से हमको ऐसा लग रहा था हम जहानाबाद में बिहार के कई जिलों में जागरूकता अभियान, शिक्षा अभियान चलाते रहे, मगर अब महसूस होता है कि देश में अगर दूसरी क्रांति की ज़रूरत है तो वो सियासत है और पॉलिटिक्स में ऐसे लोग आए जो कम से कम मनुष्य को मनुष्य समझे। हम लोग वोट देते हैं, वोट लेने से पहले हर नेता आपको हाथ जोड़ता है, पैर छूता है और जब उसको वोट देके जिता देते हैं तो हम वोटरों को देखा है कि वो पैर छूने के लिए नेता को तरसता है। तो ये सब आचरण को बदलने के लिए हम अखिल भारतीय देशभक्त मोर्चा में महंत जी के अनुरोध पर हम इसका बेड़ा उठाए हैं। तो इसमें सबको सहयोग करना चाहिए, इसमें एक जुनून चाहिए। हमको न मोदी जी को गाली देना है, न नीतीश को जी को गाली देना है। किसी को गाली देने से समाज का सुधार नहीं होता है। आज का सियासत है कोई विकास का बात नहीं करेगा, कोई गरीब का बात नहीं करेगा। हर मंच पर अभी नेता लोग सिर्फ गाली गलौज करके हमारे देश को एकदम पवित्रता से एकदम दूर करते चले जा रहे हैं। अब हम वचन करते हैं कि हमारी पार्टी के कोई भी वक्ता किसी भी आदमी को, चाहे वो हमारे खिलाफ कैंडिडेट हो, सत्येंद्र बाबू के खिलाफ कैंडिडेट हो, गाली गलौज अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो ये चुनाव नहीं, ये जनता का जागने का दिन है। और यदि जहानाबाद की जनता, जहानाबाद की माँ, जहानाबाद की मेरी बहनें, जहानाबाद की मेरी भाई, यदि 1 तारीख को जग कर यदि हमें चुनाव में सफल बना दिए तो मैं 140 करोड़ जनता को एक नई संदेश दूंगा कि जब किसी एमपी को 1 लाख रुपया उसे तनख्वाह के रूप में मिलता है तो वोट देने वाले वोटर को 1% उन्हें सम्मान राशि के लिए मैं एक बार नहीं
100 बार में मुझे लड़ना पड़े संसद में, जब तक पास करा कर नहीं रहूंगा कि जो वोट देता है, जिसकी वोट से 1 लाख ले सकते हैं, तो जिन्हें वोट देने का अधिकार है, तो आपके तनख्वाह का 1% सहायता राशि गांव गांव तक पहुंचेगा। ये मेरी पहला कर्तव्य होगा। दूसरी अब रह गई जहानाबाद की, तो जहानाबाद की धरती मेरे लिए आर्यावर्त है। जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस, आदरणीय भगत सिंह, आदरणीय अब्दुल हकीम साहब, आजाद साहब और विवेकानंद जी के लिए आर्यावर्त पूरे संपूर्ण हिंदुस्तान और पाकिस्तान था, मेरे लिए संपूर्ण हिंदुस्तान पाकिस्तान आज के लिए जहानाबाद है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जागे मेरे दोस्त, मेरे नौजवान और मेरे गार्जियन, पहचाने अपनी जमीन को और 1 तारीख के मतदान करने जाए। मैं चाहता हूँ बाहरी बनाम जहानाबाद की आजादी हो। धन्यवाद। देशभक्त मोर्चा का आपको समर्थन मिला है, क्या कहना? सर, देशभक्त का समर्थन के बारे में तो आप पहले भी जानते हैं कि मैं भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल हकीम साहब, आजाद साहब का अनुयायी हूँ। एक बार नहीं, सैकड़ों बार चला है कि मैं तो इन्हीं का आइडियल हूँ। जी, मिला कहाँ, मैं तो जन्म के बाद ही मेरे दिल में ये सारे हमारे जितने भी शहीद हुए आज भी वो जिंदा मेरे दिल में हैं। और जब तक संपूर्ण अधिकार, जो आज गरीब की अधिकार, हाईवे तो आपने बना रहा है, लेकिन हाईवे में BMW चल रहा है, साइकिल नहीं चल रहा है। अरे किसी ढंग से मोटरसाइकिल भी लेता है तो उस हाईवे में 100 किलोमीटर जाने में 100 रुपया टैक्स लगता है। ये टैक्स, इस पर विचार करना होगा, चाहे केंद्र में जो हो, चाहे मोदी जी हो या मोदी जी के विरोधी अनुयायी करने वाले। सर, ना यहाँ कोई मोदी जी हैं और ना विरोधी, दोनों एक हैं।